करीब दो दशक पहले हमारे देश में गिद्धों की काफ़ी संख्या थी। ऐसा कोई पुराना बरगद और पीपल का पेड़ नहीं था जिस पर गिद्ध ना रहते हों। जंगल और बाग बगीचे से लेकर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों तक गिद्धों का बसेरा था। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है 1992 और 1998 तक मैंने खुद अपने आस पास बरगद और पीपल के पेड़ों पर गिद्धों के झुंडों को काफ़ी करीब से देखा है। उनकी अजीब तरह की गंध भी महसूस की है, उन्हें आपस में लड़ते हुए भी देखा है और मृत जानवरों को चंद घंटों में ही चट करते हुए भी देखा है। लेकिन अब ये भी देखता हूँ कि मृत जानवर महीनों पड़ा सड़ता रहता है, उसके वजह से आसपास का सारा वातावरण प्रदूषित होता है। फिर सोचता हूँ कि काश गिद्ध होते। लेकिन एक सवाल है जो सभी के मन में आता है कि आखिर अचानक से गिद्ध रहस्यमयी तरीके से कैसे गायब हो गए? क्या गिद्धों के गायब होने की वजह हम इंसान ही थे या फिर कोई और अन्य कारण? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गिद्ध और गिद्धों के अचानक विलुप्त होने के कारणों पर बात करेंगे। ये वीडियो हर एक इंसान को देखना चाहिए और गंभीरता से चिंतन करना चाहिए ताकि अब भविष्य में हमारे वातावरण में रहने वाले कोई और भी जीव जंतु पक्षी हमारे बीच से गायब न हो। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब पूरा मानव समाज जागरूक रहेगा। दोस्तों, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए गए हर एक जीव को इतना सक्षम बनाया है कि वो अच्छी तरह अपना जीवन यापन कर सकता है। अगर इंसान के हाथ पैर ना हो तो वह ना तो चल सकता है और ना कोई काम कर सकता है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जीव हैं जो केवल रेंगते हैं और बड़े आसानी से अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। पक्षी जो कमज़ोर हैं, उन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं ताकि वो खतरे से बचने के लिए उड़ सकें और इसी उड़ान की सहायता से वे अपना भोजन भी ढूंढ सकें। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी यही है कि अपनी सारी ज़िंदगी केवल अपने बारे में सोच कर ही बिता देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो बेजुबान पशु पक्षियों के बारे में सोचते होंगे। आप सभी लोगों ने टीवी या मोबाइल पर गिद्धों को जरूर देखा होगा। जो लोग अभी 34-35 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं, उन्होंने काफ़ी नज़दीक से गिद्धों को देखा होगा। दोस्तों, गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत जानवर या जीवों को खाता है, इसी कारण पृथ्वी का इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। हमारे पर्यावरण में गिद्धों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यही गिद्ध हैं जो फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े मकोड़ों से लेकर बीमारी फैलाने वाले सड़े गले शवों को खा जाते हैं। दुनिया में गिद्धों की 22 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमारे भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां मौजूद हैं। गिद्ध हमेशा झुंड बनाकर ही रहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों से कहीं ज़्यादा ऊँचाई तक गिद्ध उड़ान भर सकता है। इसका रंग काला और कत्थई होता है। इनके देखने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये करीब 1 किलोमीटर तक मृत जानवर को देख लेते हैं। इनकी चोंच बहुत मजबूत होती है जो आगे की ओर हल्की सी झुकी रहती है। इनके पंख बड़े और पूंछ छोटी होती है। इनका वजन 5 किलोग्राम से 6.5 किलोग्राम तक होता है, जो 5 से 7 फुट लंबे होते हैं। भारतीय गिद्ध की औसतन उम्र 30 से 35 साल होती है। गिद्ध पानी बहुत पीते हैं और भोजन की तलाश में कोसों तक उड़ते रहते हैं। गिद्ध काफ़ी ऊंचाई पर बिना फड़फड़ाए काफ़ी देर तक उड़ सकते हैं। भारतीय गिद्धों का एक झुंड एक मरे हुए जानवर को 25 से 30 मिनट के अंदर ही चट कर सकता है। यह कभी जीवित और स्वस्थ पशु पर हमला नहीं करते। इनको पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। दुख की बात यह है कि 1990 तक भारत सहित पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में 95% तक गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं और ऐसी ही स्थिति पूरे अफ्रीका में भी देखने को मिली है। बाकी बचे 5% गिद्धों को भारत सरकार संरक्षित करके इनकी तादाद बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने इसे लाल सूची में डाल रखा है। इसको मारना कानूनन अपराध है। लोगों को जागरूक करने के लिए 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर गिद्धों को बचाने की एक कामयाब कोशिश की है। फलस्वरूप गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। इस समय देश में 10 से ज्यादा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हैं। इसके अलावा कई राज्यों में बड़े बड़े चिड़ियाघरों में भी इन्हें संरक्षित किया गया है। लेकिन जितनी संख्या पहले हुआ करती थी गिद्धों की, उतनी संख्या हो पाना असंभव है। अफसोस की बात यह है कि गिद्ध बस कुछ खास ही जगहों पर बचे हैं। देश में हर जगह गिद्धों का झुंड दिखाई देना मुश्किल लगता है। गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण डाइक्लोफेनिक नाम की एक दवा है जो पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाती है। यही दवा मृत जानवर को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती थी और इसी के प्रभाव से गिद्ध मर जाते थे। ये दवा गिद्धों के लिए प्राण घातक सिद्ध हुई। प्राण घातक ही नहीं बल्कि पूरे देश के गिद्धों को विलुप्त प्राय बना दिया। सन 2008 में इस दवा पर रोक लगा दी गई, लेकिन तब तक गिद्धों की संख्या 95% तक खत्म हो चुकी थी। इनके विलुप्त होने का एक और कारण है इनका शिकार। दरअसल जंगली इलाकों में पशुओं के शिकार करने वाले अवैध शिकारी इन्हें मांस में जहर दे दिया करते थे, क्योंकि गिद्ध जब जानवर को मरते देखता था तो पूरे का पूरा झुंड ऊपर से मंडराते हुए शोर मचाता था। इससे जंगल के अधिकारियों को पता लग जाता था। बहुत बार गिद्धों को रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कटते हुए देखा गया है, क्योंकि रेलवे लाइन के किनारे मृत पशुओं को खाने के बाद गिद्ध लाइन पर बैठकर आराम करते थे और तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन की चपेट में आकर मारे जाते थे। कुल मिलाकर गिद्धों के विलुप्त होने का कारण हम इंसान ही हैं। दिनों दिन हम इतनी तरक्की करते जा रहे हैं कि बाकी जीव जंतुओं को भूल बैठे हैं। हमें बस नई नई टेक्नोलॉजी से मतलब है जो हमारा जीवन आसान बनाए। इन टेक्नोलॉजी से पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम सबको याद रहना चाहिए कि प्रकृति सबको जीने का बराबर हक देती है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी नदी तालाब नहीं रह जाएंगे तो इंसान का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।